दिवा अपने पापा के लिए एक 3 खानों की अलमारी बना रही है और उसके पास लकड़ी का एक 12 फुट लंबा बोर्ड है। वो चाहती है कि अलमारी का ऊपर वाला खाना बीच वाले खाने से 1/2 फुट छोटा हो। चलिए इसे अलग रंग से दर्शा लेते हैं। तो दिवा चाहती है कि ऊपर वाला खाना बीच वाले खाने से 1/2 फुट छोटा हो। पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। सबसे नीचे वाली खाने की लंबाई सबसे ऊपर वाले खाने की 2 गुनी लंबाई से 1/2 फुट छोटी हो। और इसे भी रेखांकित कर लेते हैं नीले रंग से। द बॉटम शेल्फ टू बी 1/2 फुट शॉर्टर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टॉप शेल्फ। तो प्रत्येक खाने की लंबाई कितनी होगी यदि दिवा पूरे 12 फुट के बोर्ड का उपयोग करती है। चलिए अब हम तीनों खानों की लंबाई को कुछ चरों से परिभाषित कर लेते हैं। ऊपर वाला खाना, बीच वाला खाना और सबसे नीचे वाला खाना। तो मान लेते हैं कि टी बराबर है ऊपर वाले खाने की लंबाई यानी टॉप शेल्फ की लेंथ के। तो यहां हमने टी लिया है टॉप के लिए, एम यानी मिडिल शेल्फ, ये बराबर है बीच वाले खाने मतलब मिडिल शेल्फ की लंबाई के, और फिर बी बराबर है सबसे नीचे वाले खाने यानी बॉटम शेल्फ की लंबाई के, बी फॉर बॉटम। चलिए देखते हैं ये अलग अलग कथन क्या कह रहे हैं। पहले कथन में ऊपर वाले खाने का जिक्र है और इसे हम नारंगी रंग से लिखेंगे जिससे हमने इसे रेखांकित किया था। तो दिवा चाहती है कि ऊपर वाले खाने की लंबाई 1/2 फुट छोटी हो बीच वाले खाने से, टॉप शेल्फ की लंबाई 1/2 फुट छोटी हो मिडिल शेल्फ की लंबाई से। और क्योंकि हम सब कुछ फुट में नाप रहे हैं तो बराबर होगा ये मिडिल शेल्फ की लंबाई फुट में घटा 1/2 फुट के। यही मतलब है नारंगी रंग से रेखांकित किए हुए कथन का। देखिए ये टॉप शेल्फ 1/2 फुट छोटा होगा मिडिल शेल्फ की लंबाई से। अब देखते हैं अगला कथन क्या कह रहा है। नीचे वाले खाने को यानी बॉटम शेल्फ को 1/2 फुट कम छोटा होना है। समझ गए ना, 1/2 फुट छोटा होना है 2 गुनी लंबाई ऊपर वाले खाने से। तो अब हमने अपने दोनों कथनों को समीकरणों के रूप में लिख दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले खाने की लंबाई बराबर होनी चाहिए बीच वाले खाने की लंबाई घटा 1/2 फुट से, मतलब वो 1/2 फुट छोटी होगी बीच वाले खाने की लंबाई से। और नीचे वाले खाने को 1/2 फुट छोटा होना होगा ऊपर वाले खाने की 2 गुनी लंबाई से। पर हम इसे हल कैसे करेंगे। देखिए इसका हल इस जानकारी में है। हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक खाने की लंबाई कितनी होगी अगर दीवा पूरे 12 फुट बोर्ड का उपयोग करती है। तो सभी खानों की लंबाई का जोड़ मिलाकर 12 फुट होना चाहिए। वो पूरा बोर्ड इस्तेमाल कर रही है। तो टी जमा एम जमा बी को बराबर होना होगा 12 फुट के। ये प्रत्येक खाने की लंबाई है, दिवा पूरा 12 फुट का बोर्ड इस्तेमाल कर रही है, इसलिए इन तीनों की लंबाई का जोड़ 12 होना चाहिए। तो अब हम इन तीनों लंबाइयों को चरों के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे हम यहां पर इसे m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और फिर प्रतिस्थापन कर सकते हैं। हमारे पास t पहले से ही m के रूप में है, तो जहां कहीं भी हमें t दिखे उसे हम m घटा 1/2 से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। पर यहां हमें b को t के रूप में दिया गया है, तो इसे हम m के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए t बराबर है m घटा 1/2 के, तो जहां भी हमें t दिखे उसे हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं इससे, क्योंकि t इसके बराबर है। तो आइए इस नीले समीकरण को फिर से लिखते हैं। नीचे वाले खाने की लंबाई b बराबर है 2 गुणा ऊपर वाले खाने की लंबाई t से, और हम ये जानते हैं कि t बराबर है m घटा 1/2 के, -1/2 -1/2। अगर हम इसे थोड़ा सरल करें तो ये होगा नीचे वाले खाने की लंबाई बराबर होगी, इस 2 को वितरित करते हैं, 2 गुणा m होगा 2m, 2 गुणा -1/2 होगा -1 घटा -1/2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि b बराबर है 2 गुणा m घटा 3/2 के, 2 आधे यहां से लिए और 1 ये आधा घटा -3/2।
अब यहां देखिए, सभी चर m के रूप में हैं, तो हम उन्हें यहां इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो ऊपर वाला शेल्फ यानी टॉप शेल्फ t की जगह पर हम m घटा 1 बटा 2 लिख सकते हैं। यहां लिखते हैं m घटा 1 बटा 2 जमा बीच वाले खाने की लंबाई जमा नीचे वाले खाने की लंबाई यानी बॉटम शेल्फ की लंबाई, यानी b को हम m के रूप में व्यक्त कर चुके हैं, याद है ना आपको, ये है नीचे वाले खाने की लंबाई m के रूप में। तो यहां बजाए b को हम लिख सकते हैं 2m घटा 3 बटा 2 जमा 2m घटा 3 बटा 2 और ये बराबर है 12 के। तो यहां पर सिर्फ t को प्रतिस्थापित किया यानी t को m के रूप में व्यक्त किया और b को भी m का रूप दिया। आइए अब हम सारे चरों और सारे अचरों को संयोजित करते हैं। तो हमारे पास यहां है m, 1m यहां है और 2m यहां है और ये सब धनात्मक हैं। तो 1 जमा 2 हुए 4m, तो हमें मिला 4m। अब अचरों यानी कांस्टेंट्स को देखते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक 1 बटा 2 है और ऋणात्मक 3 बटा 2 है। तो ऋणात्मक 1 बटा 2 घटा 3 बटा 2 हुआ ऋणात्मक 4 बटा 2 यानी ऋणात्मक 2। तो अब हमारे पास है 4m घटा 2 बराबर है 12 के। अब हम सिर्फ चर m को एक तरफ रखते हैं इस समीकरण के, इसलिए हम 2 को जोड़ते हैं दोनों पक्षों में ताकि हम बाईं ओर के 2 से छुटकारा पा सकें। 2 जोड़ेंगे इस समीकरण के दोनों पक्षों में तो बाईं तरफ रह जाएगा केवल 4m, ये दोनों कट जाएंगे और ये बराबर होगा इज इक्वल टू 14, 14। अब दोनों पक्षों को 4 से भाग देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, m बराबर होगा 14 बटा 4 के या 7 बटा 2 के, 7 बटा 2 फुट, क्योंकि हम सब कुछ फुटों में माप रहे हैं। हमने m का माप निकाल लिया, अब हम t और b का मान निकालेंगे। पहले t का मान निकालते हैं, तो t बराबर है m घटा 1 बटा 2 के, ये बराबर है 7 बटा 2 घटा 1 बटा 2 के, जो कि बराबर है 6 बटा 2 के या 3 फुट के। सारी लंबाइयां फुट में है, तो सबसे ऊपर वाले खाने की लंबाई हुई 3 फुट, बीच वाले खाने की लंबाई है 7 बटा 2 यानी कि 3.5 फुट यानी 3 और आधा फुट, और नीचे वाले खाने की लंबाई ऊपर वाले खाने की दोगुनी लंबाई से 1 बटा 2 फुट कम है। तो ये क्या होगी, ये होगी 2 × 3 फुट, जो कि सबसे ऊपर वाले खाने की लंबाई है, घटा 1/2, जो कि बराबर है 6 × 1/2 या 5.5 फुट, 5 और आधा फुट। हमने इसे ज्ञात कर लिया, अब इनका जोड़ होना चाहिए 12 फुट। देखिए 5 सही 1/2 जमा 3 सही 1/2 बराबर होगा 9 के और 9 जमा 3 बराबर होगा 12 के। तो ऊपर वाले खाने की लंबाई आधा फुट छोटी है बीच वाले खाने की लंबाई से और नीचे वाले खाने की लंबाई ऊपर वाले खाने की दोगुनी लंबाई से आधा फुट छोटी है। तो हमने ये पता कर लिया कि देवा की अलमारी में तीनों खानों की लंबाई कितनी होगी।